एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं संबंधित भाग की प्रविष्टियों को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के सफल संचालन को लेकर बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण मंगलवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान 1 जनवरी 2023 की अर्हता के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 7 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित करने की जानकारी दी गई थी। एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन बुधवार को किया जाएगा। एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं संबंधित भाग की प्रविष्टियों को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के सफल संचालन को लेकर बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण मंगलवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान 1 जनवरी 2023 की अर्हता के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 7 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित करने की जानकारी दी गई। एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन बुधवार को किया जाएगा। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए उपकरण अधिकारी बाड़मेर समर सिंह भाटी ने कहा कि एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन के बाद संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन एवं सत्यापन 12 एवं 26 नवंबर को किया जाएगा। समस्त मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान 13 एवं 27 नवंबर को आयोजित होगा। एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियां 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक प्राप्त की जाएगी। राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान 13 एवं 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसंबर 2022 तक किया जा सकेगा। 3 जनवरी 2023 तक हेल्थ पैरामीटरों की जांच एवं मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति लेकर डेटाबेस को अद्यतन किया जाएगा। इसके बाद पूरक मतदाता सूची का मुद्रण किया जाएगा। 12 और 26 को तो ग्राम सभा है। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चूंकि कल 9 नवंबर है, बुधवार को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन होगा। विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत आधार संग्रहण का कार्य बीएलओ की ओर से निरंतर किया जाएगा। साथ ही समस्त प्रकार के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इस दौरान दिव्यांग मतदाताओं का 100% पंजीकरण का प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रशिक्षण में विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ ने भाग लिया।